कॉटन बर्ड्स को आमतौर पर कान को साफ करने वाली एक रुई के फाहे वाली तीली के रूप में जाना जाता है। कान को साफ करने वाला ये यंत्र अब सौंदर्य प्रसाधन और इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी काम आने वाला एक टूल माना जाने लगा है। अब इस छोटे से कॉटन बर्ड्स की अनेक क्षेत्रों में डिमांड होने के कारण इसका बिजनेस शुरू करना एक अच्छा काम हो सकता है। एक अनुमान के अनुसार 2017 में दुनिया भर में कॉटन बर्ड्स का बिजनेस 3,80,06,250 करोड़ का चल रहा था। इससे समझा जा सकता है कि इस कॉटन बर्ड्स का कितना बड़ा बाजार है और इसके भविष्य की कितनी अच्छी संभावनाएं हैं। भारत में ये बिजनेस महानगरों बड़े नगरों में तेजी से चलता है। छोटे गांव और कस्बों में रहने वाले लोग आसपास के सामान से इसे देसी तरीके से बनाकर काम चला लेते हैं, इसलिए इस कॉटन बर्ड्स का बिजनेस महानगरों में किया जाना चाहिए। इस काम को कोई भी कर सकता है, इसके लिए किसी खास योग्यता अथवा किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। महिला और पुरुष दोनों ही ये बिजनेस कर सकते हैं। दो तरह से शुरू कर सकते हैं बिजनेस। पहला, आप मार्केट में बनी तीलियां यानी बर्ड्स ला सकते हैं, साथ ही कपास यानी रुई भी लाकर आप अपने हाथों से बना सकते हैं, उसको नजदीकी के मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर और किराने की दुकान में बेच सकते हैं। दूसरा, ऑटोमेटिक मशीन लगाकर बड़े पैमाने पर उत्पादन करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें मैन पावर की भी जरूरत पड़ती है। चार तरह के होते हैं कॉटन बर्ड्स: प्लास्टिक कॉटन बर्ड, रोल्ड पेपर कॉटन बर्ड, लकड़ी के कॉटन बर्ड, बांस की लकड़ी के कॉटन बर्ड। कौन से कौन से लाइसेंस लेने होंगे? फर्म का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, ट्रेड लाइसेंस नगर निगम या नगर पालिका का लेना होगा। पेटेंट कराने के लिए ट्रेडमार्क एंड पेटेंट से रजिस्ट्रेशन कराना। एक्सपोर्ट के लिए आईएस नंबर हासिल करना होगा। लागत पर करें अवश्य विचार। इस बिजनेस में कितनी लागत आ सकती है ये बिजनेस के साइज पर निर्भर करता है। यदि कोई अपने घर पर छोटा मोटा काम करता है, वो काम हजारों में ही शुरू हो सकता है, क्योंकि उसे ना तो जमीन पर पैसा खर्च करना होगा और ना ही मशीन लेनी होगी। स्मॉल स्केल 30 से 50 हजार, मीडियम स्केल 1 लाख से 2 लाख, लार्ज स्केल 10 से 15 लाख। मुनाफा कितना होगा जानिए। घर से बिजनेस शुरू किया तो आपको केवल 10,000 रुपए महीना मुनाफा मिल सकता है। मीडियम स्केल के बिजनेस में ये मुनाफा 20,000 से लेकर 40,000 रुपए या 40%, लार्ज स्केल के बिजनेस में 50 से 55% तक मुनाफा कमाया जा सकता है। कहां पर बेचने जाए? मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल से जुड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल स्टोर, क्लिनिक आदि से संपर्क करके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। वहां पर आंख, कान, नाक और गले की बीमारियों में इस कॉटन बर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डीएनए, कोरोना में टेस्ट के लिए स्वैब कलेक्शन में कॉटन बर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, मेडिकल के बाद सबसे बड़ा मार्केट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जहां विशेष तौर पर महिलाएं मेकअप, लिपस्टिक, स्किन टोन के लिए क्रीम लगाते वक्त इस कॉटन बर्ड की जरूरत पड़ती है। नाखून से जुड़े काम में भी ये कॉटन बर्ड काम आता है, जैसे नाखून केस सेट करने और उनको रंगीन करने के लिए, और नेल आर्ट को फाइनल टचिंग के लिए इस कॉटन बर्ड का इस्तेमाल होता है। पेंटिंग बिजनेस, पेंटिंग क्षेत्र में कॉटन बर्ड का बहुत ही बड़ा रोल है। प्ले स्कूल, स्कूल, कॉलेज में जहां पेंटिंग का काम होता है, वहां पर कॉटन बर्ड को बेचा जा सकता है। ई कॉमर्स कंपनीज, बिजनेस टू कॉमर्स कंपनी अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा.com आपके लिए सही मार्केट हो सकती है। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कंपनीज की वेबसाइट से टाई अप करके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसमें अलीबाबा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्ट इंडिया आपके थोक खरीदार बनकर आपकी मदद कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर से भी संपर्क करके अपने माल को बेच सकते हैं। बिजनेस करने के लिए आपको पैकिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी पैकिंग खूबसूरत होगी तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने में हिचक नहीं दिखाएगा। अपने प्रोडक्ट का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए आप अपने प्रोडक्ट की तीलियों को रंग बिरंगा कर दें। आपको कितनी जगह की होगी ज़रूरत? आपको मीडियम स्केल पर बिजनेस करने के लिए आपको कितनी जगह की आवश्यकता होगी? कॉटन बर्ड मेकिंग मशीन को लगाने के लिए आपको 100 से 150 वर्ग फीट की जगह की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको अपना तैयार माल और कच्चा सामान को स्टोर करने के लिए आपको जगह चाहिए होगी। लार्ज स्केल पर आपको ऑटोमेटिक मशीन लगाने के लिए आपको कम से कम 3 कमरे की जगह की ज़रूरत होगी। एक मशीन रूम प्लस वर्कशॉप, एक कमरा स्टोर रूम जहां पर कच्चा और तैयार माल रखा जा सके। तीसरा, मैनेजमेंट रूम या मार्केटिंग रूम। कच्चे माल में आपको क्या क्या ज़रूरत होगी? स्पाइंडल बर्ड या तीलियाँ, जिसके दोनों सिरों में रुई लपेटी जाती है, उसे स्पाइंडल बर्ड या तीली कहते हैं। ये तीली लकड़ी, रोल्ड पेपर, प्लास्टिक, बाम्बू की बनी होती है। ये बहुत हल्की हो तथा इसकी लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। एब्सॉर्बेंट, स्पाइंडल के दोनों सिरों में रुई को अच्छी तरह से चिपकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक केमिकल है एब्सॉर्बेंट। कॉटन या कपास या रुई स्पाइंडल के दोनों सिरों पर लपेटी जाती है। मशीनें कौन सी लगती हैं? ऑटोमेटिक कॉटन बर्ड मेकिंग मशीन,
फाइनल मेकिंग मशीन, कॉटन मोल्डिंग मशीन, कॉटन प्लगिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन। मानव श्रम यानी मैन पावर। इस कॉटन बिजनेस में आपको मैन पावर यानी काम करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यदि आप ऑटोमेटिक प्लांट लगाते हैं तो आपको 2 ट्रेंड यानी प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और इसके साथ 3 अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।